सबसे पहले तो मैं मेरे साथियों को, जिन लोगों ने इस नई पार्टी बनाने के अंदर मेहनत की, जद्दोजहद की, और जो मेरे कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी तक जो मेरे साना बसाना रहे, शेख रशीद साहब के साथ साना बसाना रहे, और शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद भी मेरे साथ मेरी सरपरस्ती करते रहे और आज तक मेरे साथ रहे। मैंने जब ऐलान किया था मास्टर स्ट्रोक का, तो यकीन जानो मैंने मेरे साथियों से माफी मांगी थी कि मैं चाहता हूं ये मास्टर स्ट्रोक कॉन्फिडेंशियल रहे, गुप्त रहे। उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया और स्टेज पे आने तक मेरा साथ दिया, और मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नई पार्टी आज हम लोगों ने उसकी बुनियाद रखी, उसके जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो खतीब नवीद साहब है, जो साबिक कारपोरेटर है, मेरे दोस्त है। इस पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, इसका शॉर्ट नाम है इस्लाम। हमने इस्लाम का नाम आना चाहिए, इसके लिए इस पार्टी का नाम हमने इतना बड़ा रखा है। हमारा एक विजन है, वो विजन ये सेकुलर मुल्कों में, इस सेकुलर यहाँ के संविधान से मोहब्बत करना, सभी समाज सभी धर्म को साथ लेकर चलना, ये हमारा एक सबसे बड़ी पॉलिसी है, एक हमारी विचारधारा होगी जो सेकुलर होगी इस पार्टी की। उसके साथ हमारा विजन होगा इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्त पार्टियां मुसलमानों को तकलीफ दे रही है, मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है, काले कानून बना रही है, हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है बार बार, हमारा विजन होगा, मकसद होगा कि अगर ये शहर की आवाम ने मुझको एमएलए बनाया और इस्लाम पार्टी का नुमाइंदा एमएलए बनाकर असेंबली में भेजा, तो ये विजन को लेकर जो साथ मैंने अभी स्टेट से तकरीर में कहा है, वो सात विजन को लेकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी करने का काम करेगी, और उसी के साथ साथ सब धर्म सब समाज को न्याय मिले, इंसाफ मिले, उनके लिए भी आवाज उठाने का काम करेगी। और मैं इस पार्टी से, इस पार्टी के सपोर्ट से आने वाला असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, जो आज हम लोगों ने डायमंड लॉन्स में ये तारीखी प्रोग्राम रखा, और इस प्रोग्राम के अंदर हजारों नौजवान बुजुर्गों, हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले यहां पर आए, हमको सपोर्ट किया, हमने एक नई सियासी शुरुआत इस महाराष्ट्र में की है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारी हद जो है, हम आज सिर्फ असेंबली इलेक्शन मालेगांव का लड़ना चाह रहे, अगर शहर की आवाम ने हमारा सपोर्ट किया तो हो सकता है हमारे सलाह मशवरे से हम महाराष्ट्र के बाहर भी नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव भी लड़ने का हम लोग विचार, हमारा है, हमारी सोच है। लेकिन सबसे पहले हमारी तरजीह ये होगी कि मालेगांव शहर ने इस्लाम पार्टी का पहला नुमाइंदा असेंबली के अंदर भेजना चाहिए, ये मैंने आज शहर की आवाम से अपील किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर शहर की आवाम अपना नुमाइंदा, इस्लाम पार्टी का नुमाइंदा महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भेजेगी, और हम कल झंडा लेकर, बैनर लेकर, इस्लाम पार्टी का लेकर हम लोग कल से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इस्लाम ये जो नाम है, ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनल नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, आप देखिए कि ये कम्युनल नहीं है, ये इस तरीके से मैंने जो नाम पार्टी का पढ़ के आपको बताया हूँ, वो सेकुलर नाम है, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट, ये नाम हमारा अपना है ऑफ महाराष्ट्र, इसके लिए इसके अंदर कोई कम्युनल बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हमने हमारी जो पॉलिसी रखी है, बिल्कुल सभी समाज सभी धर्म को साथ लेकर चलने की हमारी अपनी पॉलिसी है, और आने वाले दिनों के अंदर हम सबको साथ लेकर चलेंगे।
फिरका परस्त आप पे इल्जाम भी लगाएंगे अभी, हरा झंडा इस्लाम नाम, ये सारे इल्जाम आप पे तो आप लगेंगे। हरा झंडा तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का भी है, चौटाला साहब की पार्टी का भी है, तो इसके अंदर कलर से क्या, हमको जो कलर पसंद आया, जो मेरे चाहने वालों को कलर पसंद आएगा वो चॉइस करूंगा मैं। क्या मालेगांव शहर की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी का नाम इस्लाम रखा गया कि मालेगांव शहर मुस्लिम शहर है और मालेगांव के नौजवान यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इसीलिए इस्लाम चॉइस किया गया? नहीं, बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता या उनका टिकट ले लेता तो मुझे बोलने की आज़ादी असेंबली में नहीं होती, वो आज़ादी नहीं देते। अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही तो मेरे जैसा नुमाइंदा को आज़ादी चाहिए बोलने के लिए असेंबली के अंदर, जब कानून बनता। मॉब लिंचिंग हो रही, मुझे आज़ादी चाहिए असेंबली के अंदर आवाज़ उठाने की, मुझे आज़ादी चाहिए वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर बीजेपी कब्जा करना चाहती है सरकार तो उसके लिए मुझे आज़ादी चाहिए। और मुझे लगा कि दूसरी पार्टियाँ मुझे आज़ादी नहीं देगी, इसके लिए इस पार्टी की बुनियाद हमने रखा। एक मुस्लिम पार्टी दूसरी मुस्लिम पार्टी के बीच मुकाबला हो, मुस्लिम पार्टी के बीच मुकाबला हो। मेरी पार्टी सेकुलर है और मैंने कहा कि सबसे पहले तरजीह जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हम लोगों को फिरका परस्तों को जवाब देने की हमारी पार्टी की तरजीह होगी। उसके बाद हम सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, हमारी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग होगी। आप इत्तेहाद जो है उसको करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये आपका मकसद है, इसका मैसेज भी तो ये जाएगा कि भाई ये इस्लाम नाम से इन्होंने शुरू की है और ये मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वरगनाने के लिए ये किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये पार्टी जो मेरे घर से रजिस्टर नहीं हुई है, इलेक्शन कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन दिया है हमको, इसके लिए हमसे बेहतर उनको समझता है कि कौन सी पार्टी को रजिस्ट्रेशन देना नहीं देना, मंजूरी मिल गई उसके सब क्या सोच रहे हैं।